आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कुछ विशिष्ट स्थितियों में चतुर्भुज की रचना करना सीखेंगे। अब तक हमने एक चतुर्भुज की रचना सीखी जब चारों भुजाओं और एक विकर्ण की लंबाई दी हो, तीन भुजाओं और दो विकर्णों की लंबाई दी हो, दो आसन्न भुजाएं और तीन कोणों का माप दिया हो, तीन भुजाएं और उनके बीच के दो कोणों का माप दिया हो। जैसा कि आप पिछली वीडियो से जानते हैं कि एक चतुर्भुज की रचना के लिए पांच मापों की आवश्यकता होती है, परंतु क्या हम कुछ विशेष परिस्थितियों में पांच से भी कम मापों में चतुर्भुज का निर्माण कर सकते हैं? आइए इस पर चर्चा करें। मान लीजिए कि आपको एक आयत ए बी सी डी बनाना है जिसकी आसन्न भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। क्या आप केवल इन दो मापों का उपयोग करते हुए आयत ए बी सी डी बना सकते हैं? शाबाश, ए बी सी डी का निर्माण मुमकिन है। एक आयत में सम्मुख भुजाओं की माप बराबर और सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो ऐसे हमें 8 मापों यानी 4 भुजाओं और 4 कोणों का माप प्राप्त होता है, जिससे हम आयत ए बी सी डी का निर्माण कर सकते हैं। चलिए एक और स्थिति देखते हैं। शिखा अपनी सहेली के जन्मदिन के लिए एक बर्थडे कार्ड बनाना चाहती है जिसमें इस्तेमाल होने वाले एक वर्गाकार स्टिकर के विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। क्या आप स्टिकर बनाने में शिखा की मदद कर सकते हैं? शिखा एक ऐसा वर्ग चाहती है जिसके विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो। तो आइए वर्ग के विकर्ण की विशेषताओं को कुछ इस प्रकार लिखें। वर्ग में दोनों विकर्णों का माप बराबर होता है। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मान लीजिए कि वर्ग ए बी सी डी है और विकर्ण ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ग में दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, इसलिए विकर्ण ए सी और बी डी बराबर लंबाई के होंगे तथा वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी ये सभी कोण 90 डिग्री के बराबर होंगे। विकर्ण ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर बनाएं। क्योंकि दोनों विकर्ण एक दूसरे को सम कोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए AC का लंब समद्विभाजक बनाएं जो उसे बिंदु O पर प्रतिच्छेद करेगा। O को केंद्र मानकर और BD के आधे के बराबर यानी कि 2.5 सेंटीमीटर माप की त्रिज्या लेकर AC पर बने लंब समद्विभाजक के दोनों ओर हम चाप खींचते हैं जो कि उसे बिंदु B तथा बिंदु D पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस प्रकार हमें विकर्ण BD बराबर 5 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। बिंदु A, B, बिंदु B, C, बिंदु C, D, बिंदु D, A को आपस में जोड़ दें। इस प्रकार हमें वर्ग ABCD प्राप्त होता है, जिसकी पुष्टि आप स्केल और चांदे की सहायता से कर सकते हैं। आपको इसकी सभी भुजाओं का माप बराबर और सभी कोण 90 डिग्री के मिलेंगे। तो इस तरह हम कई बार चतुर्भुज 5 से कम मापों से भी बना सकते हैं। आज इस वीडियो में हमने चतुर्भुज की कुछ विशेष स्थितियों में रचना सीखी। अगली वीडियो में हम इन पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे।